हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 1, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसके सेकंड एक्सरसाइज का फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन करने वाले हैं। कहने को तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें पार्ट्स बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन में तो 9 पार्ट्स हैं, तो उनकी वजह से वीडियो काफी लंबी हो जाती है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की वजह से भी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है। होपफुली आपको अब तक की एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं या सेकंड एक्सरसाइज के जितने भी हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह के क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में आपको डाउट आता है, तो प्लीज आप कमेंट भी करें या अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। क्या है? फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन दैट वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए अपना वही तरीका। सबसे पहले तो अपना ये फंक्शन लिख ही लेते हैं। क्या फंक्शन हमें दिया गया है? एक्स अपॉन 1 + x², है ना। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो यू अपॉन वी, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, x² का 2x, और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर वो भी डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास क्या बच रहा है? 1 + x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ये फाइनली बच के आ गया 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वेयर। क्लियर? तो अब ये देखिए कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 चलाएंगे। हमारा डेरिवेटिव क्या है? 1 - x², और डिनोमिनेटर में 1 + x² का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, क्या ये डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि ये देखिए x² वाली जो टर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, क्योंकि स्क्वेयर है ना। तो 0 को हम 1 में ऐड करेंगे तो नीचे रिजल्ट कितना आया? 1 आया, और 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। दैट मीन्स कि नीचे एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो हम इस नॉन जीरो क्वांटिटी को 0 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये बचा। अब यहाँ से x² को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया। तो दैट मीन्स कि x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, ±1। अब आप रफ में नंबर लाइन को काट के देखिए, इन दोनों नंबर से दो नंबर आए थे, +1 और -1, तो दोनों को हमने प्लॉट किया। इससे रफ वर्क से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किन इंटरवल्स पे काम करना है। -∞ से -1, -1 से 1, एंड 1 से ∞। इस 3 इंटरवल्स पे आपको काम करना है। ठीक है, तो इन तीनों इंटरवल में हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? सो एक एक करके ट्राई करते हैं। देखिए 4 -∞ to -1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग कर रहा है -∞ to -1 का इंटरवल। इंटरवल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ओपन ही रखना है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, है ना। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव। नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, स्क्वेयर है, होल है ना। तो अभी देखिए, -1 से छोटा कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और जैसे -2 ही कंसीडर कर सकते हैं। तो -2 का हम स्क्वेयर करें तो क्या आ रहा है? 4। तो 1 - 4 क्या रिजल्ट देगा? नेगेटिव देगा, है ना। यानी कि न्यूमरेटर जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। अब नेक्स्ट इंटरवल के लिए काम करते हैं, कौन सा? -1 से 1 पर। तो इसमें हमें हमारा डेरिवेटिव देखना है कि कैसा रिजल्ट देगा। देखिए इन दोनों के बीच में 0 रख लेते हैं, नीचे वाला तो पॉजिटिव देना ही है,
ऊपर 0 का स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 1, मेन है पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अब एक लास्ट इंटरवल बाकी है, कौन सा, 1 से इन्फिनिटी तक का। तो फिर से हम क्या करते हैं कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लीजिए, लाइक 2 ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो 1 में से वो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, मैं इस क्वांटिटी में ही तो वैल्यू रख रहा हूँ, है ना, नेगेटिव बचेगा। तो यानी कि ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसको देखते हुए, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 4x बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज किसके लिए कर रहा है, 4x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, इस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। तो ये था हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड 5th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। ओके, देखिए गिवन फंक्शन हमारे पास x³ + 1/x³, और यहाँ x जो है नॉन जीरो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग कहाँ होगा वो x की वैल्यूज हमें पता करनी है। सो चलिए डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव किया तो x³ का क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक कम, और इसका क्या होगा, डायरेक्ट तरीका आपको बता रखा है डेरिवेटिव करने का, साइन चेंज, नीचे की पावर ऊपर और नीचे एक पावर ज़्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसको करके देखा, ये ऊपर लेके जाएंगे पहले, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे पावर एक कम, एक और कम करोगे तो -4, नीचे आगे +4 होगी ना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखें। मैं इस पे करके दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए एक्स की पावर एन है, तो आपको तीन चीज़ें करनी है, क्या, एक तो कर दीजिए उसका साइन चेंज, ठीक है, नेगेटिव लगा के, एक नीचे वाली जो पावर है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, और नीचे जितनी पावर है उसको एक बढ़ा दीजिए, ये डायरेक्ट तरीका हो जाएगा, आपको इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम हमारे इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू ज़ीरो चलाएंगे, तो हमारा डेरिवेटिव, वैसे आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, देखिए एलसीएम लें, ऊपर से 3 भी कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x⁻⁶ - 1, ऊपर से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा कि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि इवन पावर है वहाँ पर, है ना, इस वजह से। सो 3x⁻⁶ - 1 और डिवाइडेड बाय x⁴ इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इन्होंने एक चीज़ बोली है कि एक्स जो है वो जीरो नहीं है, है ना, जीरो नहीं है तो उसका जो पावर 4 होगी वो भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, नॉन जीरो क्वांटिटी को हम जीरो की तरफ ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि हमारा जो न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर में भी सिर्फ ये टर्म, ये जो ब्रैकेट है, सिर्फ वही क्या हो सकती है, जीरो, क्योंकि 3 तो जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब x⁶ किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, तो अब ये देखिए कि किसकी पावर 6 करें कि 1 रिजल्ट आए, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, x⁻⁶ - 1 हो, है ना, क्योंकि देखिए +1 रखेंगे तो भी उसकी पावर 6 1 रिजल्ट देगी, -1 रखेंगे तो भी उसकी पावर 6 +1 ही रिजल्ट देगी, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह फिर से हमारे पास सेम इंटरवल्स बन गए कि x-∞ से -1 के बीच में हम काम करके देखें, है ना, और फंक्शन अपना ये था f'। तो इसमें हमें ये देखना है कि f'x कैसा रिजल्ट दे रहा है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, 3 भी पॉजिटिव है। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो -2 रखा मान लो मैंने, तो -2 इसमें रखते हैं तो -2 की पावर 6
2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 माइनस 1 63, यानी पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास कैसा रिजल्ट आ गया? पॉजिटिव। फिर माइनस 1 से 1 पर काम करें तो एफ डैश एक्स जो है, अभी देखते हैं इन दोनों के बीच में 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो नीचे तो पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट देखनी है। तो देखिए 0 का पावर 6, 0, 0 माइनस 1 नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास कैसा रिजल्ट आ गया? नेगेटिव। इन द सेम वे आप ट्राई करेंगे कि भाई एक्स की वैल्यू अगर अब आप 1 से इन्फिनिटी के इंटरवल में लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो हमारा हर टर्म पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव आने वाला है। तो हम बोल सकते हैं देयरफोर कि जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फॉर किस इंटरवल के लिए? देखिए दो जगह इस वक्त इंक्रीजिंग आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 to इन्फिनिटी, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, नोटिस किया होगा आपने कि लगभग क्वेश्चंस में अब जो है डेरिवेटिव में जहां हम हेल्प ले रहे हैं, ये एक ही तरह का तरीका हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे बेटर और आसान तरीका है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वट एवर इट मे बी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो, कोई एक भी हो सकता है वो। क्लियर? सो फंक्शन है हमारे पास x/2 + 2/x, और x हमें दे रखा है कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए x/2 का डेरिवेटिव 1/2, और 2 तो देखिए यहाँ तो कोफिशियंट है वो तो साथ चलेगा, 1/x का -1/x² है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा? 2x² तो क्या बन जाएगा? x² - 4। क्लियर? तो अब हम इस पर आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए कि क्या करना है, वही 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 चलाएंगे। तो यहाँ से x² - 4/2x² कि इसके इक्वल आ गया 0 के। तो ये देखिए ये क्या नॉन जीरो क्वांटिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि x नॉन जीरो है तो उसका स्क्वायर भी नॉन जीरो, और उसमें दो एक नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट नॉन जीरो ही आएगा हमारे पास। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो x² की वैल्यू 4 आ गई, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? x इक्वल आ जाएगा +-2 के, है ना। रूट लगेगा तो 4 का तो 2 हो गया, और जब रूट लगाते हैं दूसरी तरफ तो प्लस और माइनस दोनों ही लगते हैं। राइट, सो अब हमें इंटरवल्स पता चल गए क्या? -∞ से -2, -2 से 2, और 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो इस इंटरवल में हम हमारा डेरिवेटिव देखते हैं कि हमारा डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट देता है। देखिए डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, ये स्क्वायर पॉजिटिव है और 2 भी मल्टीपल में पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर लेट कर लेते हैं, -3 लेट कर ले, तो उस -3 को इसमें रख के देखिए कैसा रिजल्ट आ रहा है, 9। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो यानी कि ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एक्स, अब हम -2 से 2 के बीच का कोई एक नंबर 0 ही लेट कर लें, सबसे आसान 0 ही रहता है ऐसी सिचुएशन में, तो डिनोमिनेटर तो खैर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा भाई 0 तो रख ही नहीं सकते, हम बस अंदाज़ा ले रहे हैं। ठीक है, नीचे 0 तो रख ही नहीं सकते थे, वैसे भी क्वेश्चन में भी इन्होंने बोल नहीं रखा है। ठीक है, तो हम बस 0 के यूँ समझो क्लोज कोई वैल्यू कंसिडर कर लो। ठीक है, तो अंदाज़ा ले रहे हैं बस हम, तो ऊपर जो है ऊपर हम 0 रख रहे हैं या 0 के बिल्कुल क्लोज कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो लगभग कितना रिजल्ट आएगा? 0 ही आएगा लिमिट के अकॉर्डिंग। तो 0 - 4 नेगेटिव में आ रहा है, तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया। सो अब लास्ट इंटरवल के लिए देखें तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो 2 से बड़े कोई भी एक नंबर को हम चेकआउट करें तो ये
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव बना रहा है. तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू. क्लियर, आसान है क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनमें भी हमें कुछ ऐसी ही प्रोसेस यूज़ करनी है. क्लियर, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट. क्या गिवन है, फंक्शन लेट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ एफ एक्स नहीं बोल रखा है तो हम इसको लेट वर्ड यूज कर देते हैं. माइनस 3x² प्लस 12x + 8. फिर से देखिए वही इंटरवल वर्ड यूज़ कर लिया और कुछ नहीं है, यानी कि बेसिकली x की वैल्यू ही पता करनी है. ठीक है, सो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कीजिए माइनस का 6x प्लस 12. सो इसको लिटिल बिट ऐसा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 6 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा. अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 चलाएंगे. तो माइनस 6 x माइनस 2 को हमने इज इक्वल टू 0 चलाया, तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया. तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2. तो जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन इस 2 की वजह से सिर्फ दो पार्टीशंस में बटी. तो 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2. इसके लिए हमें हमारे डेरिवेटिव को देखना है. तो देखिए डेरिवेटिव में ये पहले है ये माइनस 6, यानी कि एक हिस्सा तो नेगेटिव है. अब इन दोनों के बीच में हमें कोई नंबर लेट कर ले, एक सेकेंड. ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो 1 - 2 नेगेटिव, यानी कि हमारे पास यहाँ से नेगेटिव आ रहा है. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट बन गया. 4x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, राइट हैंड वाले इंटरवल पे काम करें तो -6 तो नेगेटिव है. अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 लेट कर लेते तो 3 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है. दैट मीन्स कि ये नेगेटिव दे रहा है. तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, या 4, ये कंप्लीट वर्ड लिख लेना. ठीक है, 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 4 किसके लिए, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी. राइट, बिल्कुल आसान तरीका है. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्या है, x³ - 9x² प्लस 15x + 11. ठीक है, चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका. डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² - 18x + 15. 3 कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा, x² - 6x + 5. इसको यहीं फैक्टराइज कर लीजिए. तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, देखिए 5 बनाना है तो माइनस का 5x और माइनस का 1x, यानी कि x - 5 एंड x - 1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. अब हम 4 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करने वाले हैं, हमारे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे. तो यहाँ से 3x - 5x - 1 को इज इक्वल टू 0 रखा. तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x या तो 1 के इक्वल होगा या 5 के इक्वल होगा, यानी कि हमारी जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन 1 और 5 से 3 पार्टीशंस में सेपरेट हो गई. सो 4x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1. हमें हमारा डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव कैसा आ रहा है. डेरिवेटिव में देखिए पहले तो 3 है जो कि पॉजिटिव है. अब इनके बीच का कोई भी एक नंबर लेट कर लें लाइक 0,
तो जीरो को माइनस एक्स माइनस फाइव में रखते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। फिर इसमें रखा तो यहाँ से भी रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। फिर फोर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5 में रखें, यहाँ से हमारा जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट दे रहा है, देखिए 3 तो पॉजिटिव रहना ही है, 1 से 5 के बीच का हमने मान लीजिए 2 कंसिडर किया, तो 2 माइनस 5 नेगेटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव। लेस लास्ट हमारे पास 5 to ∞ है, इसमें हमें देखना है कि हमारा डेरिवेटिव कैसे रिजल्ट दे रहा है, 3 पॉजिटिव है, 6 कंसिडर कर लिया मैंने इस इंटरवल में, तो 6 माइनस 5 पॉजिटिव, 6 माइनस 1 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं देयर फोर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फोर एक्स बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 5 to ∞। यूनियन क्यों लगा रहा हूँ, दोनों को कंबाइन करके दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। आप अलग अलग दिखाना चाहें तो बीच में कॉमा लगा दीजिए यूनियन हटा के। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके लिए है, फोर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है थर्ड पार्ट, देखिए 2x³ - 9x² + 12x + 30 + 12x + 30 हमारे पास और स्पेस, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 6x² - 18x + 12, 6 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा x² - 3x + 2, तो आई थिंक इसके फैक्टर बन जाएंगे -2x और -x, यानी कि x-2 और x-1। अब आपको छोटे बच्चों की तरह वो मिडल टर्म्स प्लेट वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके से फैक्टर लिख सकते हैं, या अगर आपको रफ में करने की ज़रूरत पड़ ही रही है तो आप फटाफट फेयर में ही करके दिखा दीजिए, है ना, क्यों बार बार आप रफ निकालें फिर उसमें करें और फिर वापस से वहाँ से कॉपी करें। अब वही फोर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम हैव डैश एक्स को इजिक्वल टू 0 रख रहे हैं, दैट मीन्स कि 6x-2 एंड x-1 का प्रोडक्ट को 0 रखा है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ रही है, 1 एंड 2। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास अब 3 इंटरवल आ गए, कौन कौन से, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ये वाला, तो इनके बीच का कोई एक इंटरवल में से 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 तो पॉजिटिव है, 0-2 नेगेटिव, 0-1 नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। समझ रहे हैं कैसे क्या चल रहा है, तो 1 से 2 के बीच में एक 1.5 कंसिडर कर लें, तो देखिए 6 तो पॉजिटिव है, 1.5-2 नेगेटिव, 1.5-1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। फोर एक्स बिलोंग्स टू 2 to ∞ एफ डैश एक्स कैसा रिजल्ट दे रहा है, 6 पॉजिटिव है, 3 कंसिडर कर लें इनके बीच में, सो 3-2 पॉजिटिव, 3-1 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, सो अब ये देखिए तो हम बोल सकते हैं देयर फोर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फोर एक्स बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 2 to ∞ एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फोर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 इंटरवल में। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं, क्या है एफ एक्स हमें गिवन है 4x³ - 6x² 4x³ - 6x² उसके बाद है -72x + 30 -72x + 30 +30 था, -30 था,
चेक कर लेते हैं दोबारा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो +30 है। सो यहाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये बन गया 12x² -12x -72। तो 12 कॉमन ले ले, ये बन जाएगा x² -x, 12 6 ही होता होगा, 12 6 72। और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -3 और प्लस का 2 है ना, तो आई थिंक इसके बन जाएंगे x-3 और x+2। ठीक है, तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अब हम क्या करें, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ f'(x)=0 रखें। सो f'(x) जो है हमारा 12x-3x+2, इसको 0 के इक्वल रखा, तो x के हमारे पास देखिए दो वैल्यू आ रही है, एक तो है -2 और एक 3 है ना। तो एक हम कौनसे इंटरवल के लिए काम करें, -∞ से -2 के लिए। इस इंटरवल में देखते हैं कि हमारा f'(x) जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। सो f'(x) था ये ऊपर बिल्कुल टॉप में, देखिए तो 12 पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में -3 लेट कर लें। सो -3 -3 नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, -3 +2 ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी कि ओवरऑल तो पॉजिटिव ही बन गया है ना। 4x∈-2 2 3, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट 0 कंसिडर कर लें, 0 आसान है, 12 तो पॉजिटिव है, 0-3 नेगेटिव, 0+2 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव। 4x∈-3 2∞, यहाँ पर देख लेते हैं इनके बीच का एक 4 कंसिडर कर लें, 12 पॉजिटिव है, 4-3 पॉजिटिव, 4+2 पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। मैं ये चीज़ें कर देता हूँ, ये लास्ट की जो लाइन है वो आप लिख लेना, ठीक है, कि ये किस इंटरवल में पॉजिटिव हो गया, किस में नेगेटिव। तो देखिए फिफ्थ करते हैं, इसमें हमें फंक्शन क्या दिया गया है, -2x³+3x² + 12x+6। सो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, -का 6x² + 6x + 12। तो -6 कॉमन ले लें, क्या बच रहा है, x² - x - 2। तो यहाँ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखिए इसके फैक्टर बनाए तो -का 2x और +का x, तो x-2 और x+1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये देखिए, फोर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करें, f'(x)=0 रखें। तो यहाँ से मैंने -6x-2x+1 को =0 रखा, तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, x+1 से -1 आ जाएगा, x-2 से +2 आ जाएगा। तो हमारे पास तीन इंटरवल बन गए, फॉर x∈-∞ to -1, और एक इंटरवल बन जाएगा 1 -1 से 2, और एक इंटरवल बन रहा है हमारे पास 2 to ∞ है ना। सो इसमें हमें f'(x) पता करना है कि f'(x) हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो फटाफट इसमें रख के देख लें, देखिए -6 तो नेगेटिव है, ये तो सभी में ही आना है ना। फिर इनके बीच का एक इंटरवल माइनस, इस इंटरवल में से एक -2 ले लेते हैं, तो -2 -2 नेगेटिव, -2 + 1 नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच में से 0 ले लेते हैं, तो 0-2 नेगेटिव, 0+1 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों के बीच में 3 ले लेते हैं, 3-2 पॉजिटिव, 3+1 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो इन दोनों में डिक्रीज हो रहा है और इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए सिक्स पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट में हमारे पास f(x) क्या दिया गया है, ये है 3x⁴, 3x⁴ -4x³ - 12x² + 5 है ना। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या बनता है, 12x³ - 12x² - 24x। अभी देखिए इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से 12x भी कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। तो क्या बच गया, x²-x-2। तो इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक तो हो रहा है हमारे पास
एक्स माइनस टू और एक एक्स प्लस वन, ये हो जाएंगे। अब देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू ज़ीरो रखें। तो हमारा एफ डैश एक्स तो ये है, तो ये देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यूज़ एक्स की आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन आ रही है, यहाँ से एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ रही है ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू टू आ रही है। तो एक्स की वैल्यू तीन आई है, दैट मीन्स कि इंटरवल कितने बनेंगे, इंटरवल हमारे पास चार बनेंगे। कौन कौन से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बना देते हैं यहाँ पर फटाफट। माइनस वन से ज़ीरो, ज़ीरो से टू, टू से इन्फिनिटी, है ना। तो इसमें हम हमारे एफ डैश एक्स को चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो ये देखिए स्टार्टिंग में तो 12 है, 12 तो सभी में पॉजिटिव रहने वाला है। फिर इन दोनों के बीच में माइनस टू ऐड कर लेते हैं, तो इसको देखना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो एक्स में माइनस टू रखा तो मेन है नेगेटिव आ रहा है, फिर माइनस टू नेगेटिव, माइनस टू प्लस वन नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। फिर इस इंटरवल के लिए हम माइनस 0.5 रख रहे हैं, तो माइनस एक्स की जगह माइनस 0.5 रखा, नेगेटिव आ रहा है। माइनस 0.5 माइनस टू माइनस आ रहा है, माइनस 0.5 प्लस वन पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव बन रहा है। अब नेक्स्ट इंटरवल, इसमें से हमने वन कंसीडर किया, तो वन एक्स की जगह रखा तो पॉजिटिव, वन माइनस टू नेगेटिव, वन प्लस वन ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव। नेक्स्ट इस इंटरवल में से वैल्यू रखें तीन, तो ये तीन भी पॉजिटिव है, थ्री माइनस टू भी पॉजिटिव है, और थ्री प्लस वन भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों पर फंक्शन इंक्रीज करेगा और इन दोनों पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट। चलिए सेवन्थ पार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर, एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर माइनस, माइनस क्या है, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर, उसके बाद 24x प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12। तो देयरफॉर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करें, तो डेरिवेटिव देखिए हमारा क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। अभी देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव के फैक्टर्स करने जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। एक तरीका होता है हमारे पास कि इसमें पहले एक रैंडम एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, एक ऐसी एक्स की वैल्यू जिससे ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ज़ीरो बन जाए, ठीक है। वैसे डेरिवेटिव मैंने सही किया है, नहीं, पावर आगे पावर एक कम, 10 24, हाँ बाकी अब ठीक लग रहा है मेरे को। तो इसमें देखिए वन रखने से तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है, माइनस वन रखने से भी आई डोंट थिंक ये काम चलेगा। तो दो ट्राई करते हैं, दो का क्यूब 8, दो का स्क्वायर 4 और 3 12, दो और 10 20 और ये 24, तो 24 और 8 32, 32 माइनस 32, ठीक है। तो यानी कि देखिए इसका एक जीरो जो है हमारे पास क्या आ रहा है, दो आ रहा है। ये मैंने कर रहा हूँ नाइन्थ क्लास के बेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब हमें इसका एक जीरो तो पता चल गया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक रफ वर्क आपको करके दिखा रहा हूँ। इनके कोफिशियंट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखिए माइनस 3, एक्स का कोफिशियंट देखिए माइनस 10 और 24 हमारे पास है। एक सिंथेटिक डिवीजन करके आता है हमारे पास। तो अब देखिए इसका एक जीरो हमने क्या निकाला था, दो निकाला था। तो हम आपको हमें क्या करना है, इस सिंथेटिक डिवीज़न में आपको पहले ये वन लिखना है, फिर इस वन और टू का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लिखिए, टू आ गया, फिर इनका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, जो भी डिफरेंस आ रहा है कंबाइन, मतलब माइनस वन आ गया। अब इस माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लीजिए कितना आ रहा है, माइनस टू। अब इनको कंबाइन कर लो, माइनस 12। अब इस माइनस 12 और टू को कंबाइन मल्टीप्लाई करके इधर लिख लीजिए माइनस 24। फाइनली आपका रिजल्ट जो है वो जीरो बचना चाहिए, अगर आपने ये टू बिल्कुल सही निकाला है तो। अब ये जो
बचे ये एक्चुअल में हमारे क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट हैं। हमने देखो क्यूबिक को सॉर्ट किया है उससे छोटी टर्म में, क्यूबिक क्वाड्रेटिक में, तो ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ये -1 हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, और ये -12 हमारा कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्चुअल में इसका एक फैक्टर तो पहले ही पता चल गया था, कौन सा, एक्स -2। कैसे, एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या था, 0 था, तो इस 2 को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया, तो ये जो एक्स -2 है वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे देखिए, आई थिंक 4 और 3 बन जाएंगे, एक्स -4 और एक्स +3, है ना, आई थिंक यही बन रहे हैं। तो देखिए हमें हमारे फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो उन फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमें बस क्या करना है, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आगे प्रोसीड करना है कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से एक्स -2, एक्स -4 और एक्स +3 को हमने इज इक्वल टू 0 रखा, तो वहाँ से एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, देखिए -3 आ रही है, 2 आ रही है और 4 आ रही है। अब आगे का काम कर लेंगे, ठीक है, होपफुली अब आप आगे कर सकते हैं। इस इंटरवल में आप वैल्यूज़ रख रख के देख लीजिएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मोस्टली जो दिक्कत आती थी वो मैं आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7th पार्ट, चलिए 8th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 8th क्या है, 8th हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 -8x³, एक्स रेज टू पावर 4 -8x³ +22x² -24x +22x² -24x +27। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³ -24x² +44x -24, है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार, 4 कॉमन लेके छोटा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्यूबिक को कैसे सोल्व करें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही। 6x² +11x -6, ठीक है, तो अब ये देखते हैं, देखिए एक रखते हैं, तो एक रखते हैं तो x की जगह एक रखने से 1³ 1, 11x यानी 11 × 1, 11 × 1 12 हो गया, और यहाँ से अगर देखें तो ये -6 और -6 -12 हो गया, तो 0 बन रहा है। दैट मीन्स कि इसका हमें एक फैक्टर तो पता चल ही गया, है ना। तो देखिए एक फैक्टर हमें क्या पता चला था, 1, तो इनके कोफिशियंट्स को लिखें, सिंथेटिक डिवीजन, इनके कोफिशियंट्स मैंने लिखे और इस तरह का एक पैटर्न बनाया। अभी देखिए यहाँ मैंने लिखा वो वाला नंबर जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, तो अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको सेम 1, फिर 1 × 1 1 यहाँ लिखा, फिर इनको कंबाइन किया तो -5 -5 × 1 -5 इधर लिखा, इनको कंबाइन किया तो 6 आ रहा है, अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट यहाँ लिखा, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये गारंटी है कि हाँ ये जो 1 हमने निकाला ये सही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बनेगी ये उनके कोफिशियंट है, ये 1 x² का कोफिशियंट है, -5 x का कोफिशियंट है, और 6 हमारा कांस्टेंट हुआ, तो एक फैक्टर तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। कैसे, इसको एक्स इज इक्वल टू रखो और फिर 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, यानी कि एक फैक्टर है हमारा ये, और दूसरा ये क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करें, देखिए क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं तो एक्स -1 और ये क्या आ जाएगा, x² -3x -2x +6, यानी कि एक हमारे पास एक्स -3 और एक एक्स -2 बन रहा है और एक एक्स -1 है ही, तो दैट मीन्स कि इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए। ये सारा काम आप रफ में कर सकते हैं, आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अब हमें फाइनली क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फोर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है और ये इज इक्वल टू 0। सो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक्स माइनस वन से 1 आएगा, एक्स माइनस टू से 2 आ रहा है, एक्स माइनस थ्री से 3 आ रहा है ना। तो अब चार इंटरवल बन गए। तो देखिए, फोर एक्स किसको बिलोंग करे, माइनस इन्फिनिटी से 1, एक इंटरवल तो ये, और एक इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, 1 से 2 का, एक इंटरवल हमारा बन जाएगा 2 से 3 का, और एक इंटरवल हमारा बन जाएगा 3 से 4 का, है ना। तो अब इसमें आप चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नाइन्थ पार्ट क्या है ये। नाइन्थ, ये तो हमारा गिवन हो ही गया, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, एफ डैश एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, 3/10 पावर आगे पावर एक कम, फिर 4/5 पावर आगे पावर एक कम, फिर से 6x बन जाएगा, और ये 36/5 है ना। तो अब मैक्सिमम ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले और फिर कॉमन देखते हैं। तो एलसीएम आई थिंक इसका 10 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ऊपर यहाँ बन रहा है 12x³, यहाँ 12 तो है ही, और 2 24x² इसको 60x, और यहाँ 72। तो देखो, एक तो 10 तो हमने बाहर ले ही लिया, साथ साथ सारे के सारे जितने नंबर हैं 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 भी कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया, x³ - 2x² - 5x+6, है ना। तो फिर से वही तरीका यूज करें। आई थिंक देखिए, एक रखने से बात बन रही है, 1³ और 6 7 हो गए, एक इसमें रखा तो -2 और ये -5 -7, तो +7 -7 0। तो यानी कि, तो चलिए देखिए, एक हमें मिल ही गया है। अब बाकी हम उस तरीके से निकालते हैं, x³ का कोफिशियंट, x² का कोफिशियंट, x का कोफिशियंट, कॉन्स्टेंट टर्म, ये एज इट इज़ 1 1 × 1, यहाँ लिखें क्या आ गया, -1, -1 को 1 से किया तो -1, -6 बन गया, -6 को 1 से किया तो -6, रिजल्ट 0। तो ये क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट बन गए x² - x - 6। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, x² - 3x + 2x - 6। तो एक फैक्टर बन गया x-2 और एक बन रहा है, सॉरी x-3 और एक बन रहा है x+2, और एक फैक्टर यहाँ से आई था हमारा x-1 का, है ना। तो चलिए, हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, ये लिख लेते हैं इधर, इसको थोड़ा सॉर्ट करें तो 6/5 लिख दिया जाएगा। एक बन गया x+2, एक बन रहा है x-1, एक बन रहा है x-3। सो अब हम कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट वाला काम। फोर क्रिटिकल पॉइंट्स पे काम करें, तो हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 चलाएंगे, यानी कि 6/5 x+2 x-1 x-3 को इज इक्वल टू 0 चलाया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -2 1 एंड 3, ठीक है। सो अब हमारे पास कौन कौन से इंटरवल बन गए, कि -∞ से -2 और -2 से 1, 1 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। चलिए इस लास्ट पार्ट को पूरा ही कर देते हैं। तो देखिए, एफ डैश एक्स पता करना है हमें कि वो कैसा रिजल्ट देगा सभी में। देखिए, स्टार्टिंग में तो है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो 6/5 तो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, हम एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें। अब फर्स्ट इंटरवल की बात करें, तो इसमें -3 कंसीडर कर रहे हैं, तो पहली ब्रैकेट में यानी कि इसमें हम -3 रखें तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है,
दूसरी ब्रैकेट में माइनस रखे तो भी नेगेटिव आ रहा है, तीसरी ब्रैकेट में -3 रखा तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है ना। अब सेकेंड इंटरवल देखते हैं, तो सेकेंड इंटरवल में -2 और 1 के बीच का 0 कंसिडर किया, तो 0 + 2 पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट 1 से 3 के बीच में 2 कंसिडर करें, तो 2 + 2 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। एंड लास्ट पर काम करते हैं, 4 कंसिडर कर लें, 4 + 2 पॉजिटिव, 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं देयर फॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक तो है -2 से 1 पर एंड एक है 3 से इन्फिनिटी पर, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू, क्या, कौन कौन से पे, एक तो -∞ से -2 और एक 1 से 3 पर, ठीक है। तो ये थे भाई हमारा फोर्थ या फिफ्थ, कौन सा क्वेश्चन था ये, सेवन्थ क्वेश्चन था, तो सेवन्थ क्वेश्चन के नो पार्ट्स। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। आज जो हमने किया है वो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पार्ट थे उसमें, है ना, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो सब में हमने लगभग एक जैसा ही पैटर्न जो है वो यूज़ करने की कोशिश की है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो होपफुली आपको कंटेंट समझ आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।